सो हाई एवरी वन, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जन्नत रियल स्माइल। भी मैं आपकी दोस्त इंद्र सिंह स्वागत करती हूँ। आज सैटरडे है जिस कारण से मैंने ब्लैक पहना हुआ है, और मैं आपके साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ। जब मैं बच्ची थी, मीन्स ऑलमोस्ट 4 या 5 क्लास में थी, उस टाइम की ही बात है। हम लोग जो भी कज़न लोग हम लोग साथ में रहते थे, हम लोग वैसे तो 6 भाई बहन लोग थे जो आपस में साथ में रहते थे उस टाइम पे। तो हमारा एक चैलेंज होता था, झालमुरी चैलेंज। उसमें क्या होता था कि मैं झालमुरी बनाती थी, मैं बहुत स्पाइसी एंड चटपटा से झालमुरी बनाती हूँ, जिसको खा के आपकी आँखों से आंसू लिटरली टपक रहे होंगे, और बट फिर भी आपका मन करेगा कि नहीं, मुझे उसको खाना है। वो इतना टेस्टी सा होता था। तो हमारा जो चैलेंज होता था वो 50 रुपये का होता था उस टाइम पे। क्योंकि तो आप समझ लो, 50 रुपये भी उस टाइम पे मिलना कितना मुश्किल होता था हमारे लिए। तो हम लोग एक बाउल रखते थे, और वो बाउल जो भरा हुआ रहता था, और सामने में एक वाटर बॉटल रहता था। हमारा चैलेंज इस तरह से होता था कि हम लोग 6 भाई बहन बैठ जाते थे आपस में, और बीच में टेबल पे वो बाउल और वाटर बॉटल और वो 50 रुपये का नोट जो होता था वो रखा होता था, और आपको वो झालमुरी लास्ट मोमेंट तक खाना है। अगर आप लास्ट मोमेंट तक उस झालमुरी को खा लेते हो तो इट मीन्स कि आप चैलेंज को जीत गए हो, और वो 50 रुपये जो होता था वो आपको मिल जाता है। बट क्या होता था कि मैं इतना चटपटा और इतना स्पाइसी सा बनाती थी, और इतना टेस्टी होता था कि लोगों के आंखों से आंसू टपक रहे होते थे, बट फिर भी वो पानी का बॉटल नहीं लोग पी पाते थे। क्योंकि अगर आपने पानी का बॉटल पिया तो इट मीन्स कि आप आउट हो गए बीच में। तो हम लोग 6 भाई 6 भाई बहन उस टाइम में खाते थे, और आँख से आंसू टपक रहे होते थे, बट सबको था कि नहीं, दीदी जीत जाएगी या पूजा दीदी जीत जाएगी। तो हम लोग भी पूरा वो दम लगा के उसको जीतने का कोशिश करते थे। बट ऐसा होता था, कभी कभी ऐसा होता था मैं भी जीत जाती थी, कभी कभी दीदी जीत जाती थी, कभी कभी हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन थे वो जीत जाते थे। बट वो मोमेंट मेरे लाइफ में बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये वो टाइम ऐसा था हमारा जो हम लोग सब लोग साथ में रहते थे, और मेरे लिए वो मोमेंट बहुत ही प्यारा है। क्योंकि वो मोमेंट फिर दोबारा नहीं बन पाया सकता है, हो सकता है बन जाए, नहीं हो सकता है नहीं बन जाए, बस क्योंकि वो 50 रुपये का चैलेंज था। और आपको पता है 50 रुपया उस टाइम पे हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। आज के टाइम पे तो 50 रुपये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो हम लोग उस टाइम पे थे, उस टाइम पे हमारे लिए 50 रुपये बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं क्या बोलूँ, तो मेरा स्टोरी शेयर करने का आपके साथ ये जो है रीज़न ये था कि आज चूँकि सैटरडे है और मैंने देखो ब्लैक पहना हुआ है। क्योंकि हमारे में बोलते हैं कि सैटरडे को ब्लैक पहन सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है आप इस चीज़ को फॉलो करो या नहीं करो। और दूसरा चीज़ ये भी होता है हमारे बिहार में, क्योंकि झालमुरी वहाँ पे बहुत ही फेमस है, और लोग इवनिंग के टाइम पे ऑलमोस्ट वहाँ पे झालमुरी खाते हैं। तो मैं इसलिए आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मैं झालमुरी खाने वाली हूँ, और मैं इसे खुद के लिए खुद से बनाऊंगी। तो मैं आपके साथ इसका जो प्रोसेस होता है झालमुरी बनाने का वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप बताना मुझे कि इसका प्रोसेस कैसा लगा आपको, झालमुरी का किस तरह से, और आप अपने घर में बना के इसे टेस्ट कर सकते हो। फिर मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ सच में अच्छा है या नहीं है। फिलहाल मैं जा रही हूँ झालमुरी को बनाने, और वो जो भी प्रोसेस होता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप मुझे प्लीज़ बताना कि ये आपका कैसा लगा, हमारा जो आज का ब्लॉग है। देखो झालमुरी का नाम लेते के साथ ना मेरे वो ऐसा लगता है ना, जीभ में पानी पानी सा हो गया। तो अभी मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, मुझे अब बनाना है। चलो तब तक के लिए ब्लॉग में आगे बने रहिए, अगर आपको झालमुरी का प्रोसेस देखना है तो। सो झालमुरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक प्लेट, उसमें मिर्ची, उसमें धनिया का पत्ता, और इसमें टमाटर और प्याज, और फिर आपका लेमन। तो सबसे पहले हम धनिया पत्ता को अच्छे से चॉपिंग कर लेते हैं, और इतनी अच्छी तरीके से हम इसकी चॉपिंग करते हैं कि जो धनिया का पत्ता है ना एकदम छोटा 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 सा पीस हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने कर लिया है देख लो। और फिर इसके बाद हम लेते हैं हमारा अनियन, फिर हम अनियन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में इसको फिर चॉपिंग करते हैं। मेरे से पता नहीं क्यों 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 कि मेरा स्लिप हो जाता है जब भी मैं अनियन के ऊपर चाकू को रखती हूँ, तो ऐसा लगता है कुछ स्लिप हो रहा है।
और ऑलमोस्ट हमारा अनियन का जो है चॉपिंग ख़त्म होने वाला है, और मैंने इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। अगर आप देख सकते हैं तो आप देख लीजिए कि मेरा अनियन का चॉपिंग हो चुका है ख़त्म। और अब इसके बाद मैं गोलू मोलू टमाटर को लेने वाली हूँ, सॉरी टमाटर नहीं, मिर्ची मिर्ची को लेने वाली हूँ। और मिर्ची को भी मैंने इसी तरीके से चॉपिंग किया हुआ है, और लास्ट मोमेंट में ये थोड़ा मोटा मोटा से कट जाता है मेरे से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और फिर हमारा आ गया टर्न टमाटर को चॉपिंग करने का, और ये मैंने गोलू मोलू टमाटर की चॉपिंग कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा रेड सा गुस्सा वाला टमाटर हमारा चॉपिंग हो चुका है। और हम लेते हैं इसके बाद हमारा जो है नींबू, नींबू का छोटा सा ही क्वांटिटी हमको देना है उसमें, क्योंकि ज़्यादा खट्टा हो जाएगा फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। और ये हमारा प्लेट तैयार हो चुका है, बट समथिंग इज़ मिसिंग और दैट इज़ नींबू। तो मैंने जो है प्लेट तैयार कर लिया है, अब इसमें टाइम आता है मूढ़ी डालने का। मूढ़ी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्लेट में, जैसा कि आप देख रहे हो। बट जो है बिना नमक का बिना सॉल्ट का कोई टेस्ट नहीं आने वाला है। तो इसके बाद मैंने इसमें जो है नमक को ऐड कर दिया है, और फिर मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अपने हाथों की उंगलियों की सहायता से। तो मैंने इसमें इसके बाद फिर मस्टर्ड ऑयल डाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और फिर मैंने नींबू का रस इसमें डाल दिया, निचोड़ के नींबू का एक एक रस जो है मैंने इसमें निचोड़ दिया है। और इसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और इतना मैंने मिक्स किया है, OMG इतना डिलीशियस लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना चटपटा सा लग रहा है। और लास्ट में जो है मैं ऐड करती हूँ इसमें आम का अचार का मसाला। इसमें आम का अचार का मसाला एक अलग ही खट्टापन से स्वाद देता है। और ये देखिए हमारा जो है झालमुड़ी तैयार हो गया है, और इतना टेस्टी सा इसका प्लेट का जो है ना वो देखते में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसमें सारा चीज़ आप बारीकी से देखो तो कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। ओ गॉड, अब खाने का टाइम हो चुका है, सो लेट्स गो। मैं अब इसको टेस्ट करने वाली हूँ, देखते हैं ये कैसा बना है। बहुत ही तीखा है, बहुत ही चटपटा है यार, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं इसको खा के उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। मैं खा के तैयार हो चुकी हूँ, तो अब आता है ब्लॉग का लास्ट का पार्ट। तो हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए बाय बाय, शबा खैर, खुश रहिए, आज़ाद रहिए, और हो सके तो अपने किसी भी मददगार की हेल्प कीजिए। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।